आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है 2 कप, जिसे कि बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने ऐड करा है भुना पिसा ज़ीरा पाउडर, 1/3 टीस्पून गरम मसाला, और अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। आटा यानी होल व्हीट फ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और बेसन हम इसमें ऐड करेंगे 5 to 6 टेबलस्पून, 5 से 6 खाने के बड़े चम्मच। और अभी मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करा है, और ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें काफ़ी मॉइस्चर बाकी है, तो 3 टेबलस्पून हम इसमें बेसन और ऐड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बैटर हम थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, और लास्ट का अब हम 1 टेबलस्पून बेसन इसमें और ऐड करेंगे। टोटल मैंने 6 टेबलस्पून बेसन ऐड करा है। बैटर हमारा रेडी हो गया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने हाई हीट पे गरम कर लिया है, और अब हम इस तरह से पकौड़े बनाएंगे 1 by 1 और फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद अब हम पकौड़ों को फ्लिप करेंगे, और फ्लिप करने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम हीट में हम पकौड़ों को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, और बीच बीच में इस तरह से फ्लिप करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। हमारे बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी पकौड़े रेडी हो गए हैं, और हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, अदरवाइज़ वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 3 छोटी इलायची और 2 लौंग। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत मसाले। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है। प्याज को भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से स्टिर करेंगे। और स्टिर करने के बाद हम इसका लिड कवर कर देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल सरफेस आउट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट 1 1/3 टीस्पून खाने के छोटे चम्मच, और अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अब हम अच्छे से पका लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक इसकी रॉ स्मेल चली नहीं जाती। कुछ सेकंड्स के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1/3 कप, और लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 1/2 टीस्पून, 1.5 छोटे खाने के चम्मच। धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मसाला ये काफ़ी ड्राई हो गया है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 1/4 कप, और दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसका लिड कवर कर देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, या जब तक कि ऑयल सरफेस आउट नहीं हो जाता। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है। और टमाटर को भी हम मिक्स करेंगे, और फिर इसका लिड कवर करके इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या जब तक कि ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। 4 से 5 मिनट हमने पका लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल फिर से सरफेस पे आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये मैंने 1 लार्ज साइज़ का आलू लिया है, जिसे इस तरह से बड़े पीसेस में काट लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1 कप, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसका लिड कवर करेंगे, और इसे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे, या जब तक कि आलू थोड़े से टेंडर नहीं हो जाते। आलू हमारे ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, और ग्रेवी को भी हमने अच्छे से पका लिया है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बनाए हुए पकौड़े। पकौड़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और स्टिर करेंगे। मैं यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा थिक ही रखूँगी, लेकिन अगर आप लिक्विड रखना चाहते हैं तो इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करें। और अब मैं इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और गर्मा गर्म रोटी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप पकौड़ों को थोड़ा सा फ्लैट ही बनाएं, उसे ज़्यादा थिक ना करें, अदरवाइज़ वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और ग्रेवी में ऐड करने के बाद पकौड़ों को हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाएं, अदरवाइज़ वो टूट जाते हैं। और गोभी को ग्रेट करने के बाद उसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। हमारी बहुत ही डिलीशियस और डिफरेंट सी गोभी की रेसिपी रेडी हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें। और मेरी आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल दिल्ली कुकबुक को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।